सक्सेस इज योर ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑब्लिगेशन। राधे राधे दोस्तों, मेरा नाम है विशाल अवंशी और स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल BR जिद्दी में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ग्रैंट कार्डोन के बारे में। अगर आप उनके बारे में नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं, वो एक बिलियनर है, ही इज अ बिलियनर। उनकी 5 कंपनियां हैं और हर एक कंपनी का रेवेन्यू 100 मिलियन से ज़्यादा है। तो चलिए इस वीडियो में हम उनकी लर्निंग, जो लेसन्स वो अपने 20 ईयर मतलब 20 साल के वर्जन को वो देना चाहते थे, और जिस आज के इस वीडियो में आपको उनकी लर्निंग बताऊंगा वो सबको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने के लिए बोलते हैं। और ये 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट लर्निंग है उनकी, वो चाहते हैं कि हर एक बंदा अपनी लाइफ में ज़रूर इम्प्लीमेंट करे। तो पहली की सक्सेस इज योर ड्यूटी। सक्सेस आपकी ड्यूटी है, आपको प्राप्त करनी है आपकी सक्सेस, आपके लिए और कोई भी सक्सेस प्राप्त नहीं करेगा। ऐसा नहीं है कि आप खाना खाओगे तो वो आपका खाना आपके पेट में जाएगा और किसी के पेट में नहीं जाएगा, और कोई खाना खाएगा तो वो और किसी के पेट में जाएगा, वो और कोई खाएगा। तो एग्जाम्पल मैं यहाँ पे देना चाहता हूँ, अगर आपको सक्सेस प्राप्त करना है तो आपको एक्शन लेना पड़ेगा, आपको ड्रीम बनानी पड़ेंगे, आपको उनको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। जो सक्सेस के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, वो आपको लेनी पड़ेगी। ये आपकी ड्यूटी है, इट्स योर ड्यूटी टू मेक योरसेल्फ सक्सेसफुल। ये आपकी ड्यूटी है, आपको खुद को सक्सेसफुल बनाना। कोई भी नहीं जा रहा आपको सक्सेसफुल बनाने के लिए, किसी की और की ड्यूटी नहीं है, आपके पापा आपको सक्सेसफुल बनाने वाले नहीं है। आपको खुद बनाना पड़ेगा, आप खुद अपने आप को सक्सेसफुल बना सकते हो और कोई भी नहीं। तो पहला लेसन है सक्सेस इज योर ड्यूटी, एंड सेकंड मेक योर डील्स योर प्रायोरिटी। मतलब आपकी डील्स को आपको प्रायोरिटी बनाना है। अगर आपको 10 काम है और सब में 10 कामों में से सबसे पहले आपकी प्रायोरिटी आपको आपकी डील्स को बनाना है। अगर आपकी डील्स कंप्लीट नहीं होंगी तो आपका बिजनेस ग्रो नहीं करेगा, अगर बिजनेस ग्रो नहीं करेगा तो आपके पास पैसे नहीं आएंगे, और आपके पास पैसे नहीं आएंगे तो इनडायरेक्टली आप फाइनेंशियली ब्रोक रह जाओगे, और अगर फाइनेंशियली ब्रोक रह गए तो आप सक्सेस कैसे प्राप्त करवाओगे। और फर्स्ट मतलब सक्सेस प्राप्त करने के लिए पहले तो हमको फ्रीडम होना चाहिए, हम कैसे जी सकें, ये हमारे पास फ्रीडम होना चाहिए। तो आपको आपकी डील्स को प्रायोरिटी बनाना पड़ेगा। आपको आपके, अगर आप YouTube चैनल चला रहे हो तो उसको ग्रो करने की आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर आप आपका बिजनेस कर रहे हो तो उसको ग्रो करने की आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपको ये डील्स आपकी हैं, आपको जाके इंटरव्यू लेना पड़ेगा, आपको जाके वीडियो बनानी पड़ेगी, आपको जाके डील्स क्रैक करनी पड़ेगी, तभी आप आगे बढ़ोगे। और तीसरी है वर्क सुपर हार्ड। मतलब आपको पूरी मेहनत करनी है, आपका जितना हो सके ना 100+20% आपको देना है आपकी डील्स में। आपको जो भी करना है उसमें आपको 100+20% देना है। अगर आप 100+20% दोगे तभी आपको रिजल्ट आएंगे 100%। और अगर आप 100% दे रहे हो, तो अगर आप दे सकते हो 100% और आप दे रहे हो 80%, 60%, तो ऐसे आप कैसे सोच सकते हो कि आपको और अच्छे रिजल्ट मिले। आप डिजर्व करते हो 80% मार्क, तो आप उतनी मेहनत करोगे तभी आ पाएंगे आपके, अगर मेहनत नहीं करोगे तो कहाँ से आएंगे। तो वर्क सुपर हार्ड इन योर लाइफ, तीसरी लर्निंग थी उनकी, वर्क सुपर हार्ड। और चौथी लर्निंग है उनकी इग्नोर द लिटिल मैन, जो आपसे बोलते हैं कि भाई तेरे से नहीं हो पाएगा और तुझसे नहीं हो पाएगा। मतलब जो छोटे मोटे व्यक्ति आपसे बोलते हैं कि भाई तेरे बस की बात नहीं है, नेगेटिव पीपल से दूर रहो। पहली बात तो वो आपको फोर्स करेंगे कि भाई तेरे बस की बात नहीं है, ऐसी उनको इग्नोर करो। जो भी आपको बैड कॉम्प्लीमेंट आ रहे हैं आपके हेटर्स के, जो भी किसी के भी आ रहे हैं, तो उनको इग्नोर करो, वो और कोई नहीं कर दे, तो आपको उनको इग्नोर करना है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू इग्नोर द लिटिल मैन। इफ यू कैन इग्नोर द लिटिल मैन देन यू आर रेडी टू फोकस ऑन योर सेल्फ। इंपॉर्टेंट लर्निंग है फिफ्थ, है वह टारगेट। हमारी जिंदगी में हमको टारगेट बनाना पड़ेगा, गोल्स बनाने पड़ेंगे, ड्रीम्स को सच करने के लिए हमको टारगेट बनाना पड़ेगा। उस टारगेट के लिए पूरी मेहनत करना है हमको, जितनी हमारे अंदर हिम्मत है उसको पूरी तरह से करना पड़ेगा। अगर हम हिम्मत नहीं करेंगे तो अब कैसे आगे बढ़ेंगे। तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हमको अपने गोल्स को अचीव करने के लिए टारगेट अचीव करना पड़ेगा, टारगेट बनाना पड़ेगा, और टारगेट प्राप्त करने के लिए हमको एक्शन लेने पड़ेंगे। तो टारगेट बनाइए, आप जो भी बना सको। आपका अगर टारगेट है तो 70% बनाना, तो 70% बहुत है, उसको आप टारगेट बना ली तो उसके लिए एक्शन लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सिक्स लर्निंग है उनकी लाइफ की, डोंट डिपेंड ऑन वन प्रोडक्ट। आप एक इनकम सोर्स पे अपनी लाइफ में डिपेंड मत करिए, एक प्रोडक्ट पे मत डिपेंड करिए आपकी लाइफ। आपका रिसोर्सेस आपका एक ही प्रोडक्ट हो वो मत कीजिए आप, क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे आपका सिर्फ एक ही प्रोडक्ट रहेगा ना,
तो अगर वो प्रोडक्ट आगे चल के फ्यूचर में बैन हो जाता है किसी कारण, या फिर और कोई मतलब वो नॉर्मल हो जाता है और किसी ने अच्छा उससे अच्छा प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया, तो आपका प्रोडक्ट तो पीछे हो जाएगा। तो क्रिएट सेवरल डिफरेंट प्रोडक्ट्स, मतलब आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाना है, आपको एक इनकम सोर्स पे डिपेंड नहीं करना। अगर एक इनकम सोर्स ख़त्म हो गया ना, तो फिर आपके पास और इनकम है ही नहीं, तो फिर और कहाँ से आप जियोगे, आपकी लाइफ को कैसे इन्जॉय करोगे। तो आपको एक इनकम सोर्स पे डिपेंड नहीं होना है, एक प्रोडक्ट पे डिपेंड नहीं होना है, ये आपको डिसाइड करना है। और ये आप तभी कर पाओगे जब आपको सोचना पड़ेगा कि एक प्रोडक्ट बना लिया, अब जैसे ही आपने एक प्रोडक्ट बना लिया तो नेक्स्ट प्रोडक्ट के लिए रन कर दो, आप दूसरा प्रोडक्ट डिजाइन करने लाओ और एक को फर्स्ट को सेल करते रहो, और ऐसे ही करके आप तीसरा प्रोडक्ट करो लॉन्च और दो को सेल करो तब तक। तो ऐसे ही अगर आप करते जाओगे ना, तो आप आगे बहुत आगे जाओगे। सेवंथ लर्निंग है बिलीव इन योर सेल्फ, बिलीव अपन पे, अपने आप पे विश्वास रखो कि हाँ मैं कर सकता हूँ, किसी भी हाल में कोई मुझे नहीं रोक सकता, हाँ मेरे अंदर गट्स है कि मैं ये कर सकता हूँ। जो भी आप कर रहे हो आपको डिसाइड करना पड़ेगा आपको करना क्या है और कैसे करना है, तो अपने आप ही हो जाएगा। तो अपने आप को फर्स्ट यू नीड टू बिलीव इन योर सेल्फ, इफ यू कांट बिलीव इन योर सेल्फ देन नो वन विल बिलीव इन यू। अगर आप खुद पे विश्वास नहीं कर रहे तो दूसरे आपको पे कैसे विश्वास कर लेंगे, आप कैसे उम्मीद रख सकते हो दूसरों से अगर आपको खुद पे विश्वास नहीं है। तो फर्स्ट दैट यू बिलीव इन योर सेल्फ देन अदर विल बिलीव इन यू। तो आपको पहले तो खुद पे ही विश्वास करना है, फिर दूसरे आप पे विश्वास करें। और एट्थ लर्निंग है वर्क टू योर पोटेंशियल, आपके अंदर मेहनत कितनी है, आपके अंदर हिम्मत कितनी है, उतनी आपके ऑप्टिमम लेवल पे आपको परफॉर्मेंस देना है अपने आप को। अगर आप कर सकते हो 5 घंटे मेहनत, तो आप ट्राई करो कि 6 घंटे कर सको, 7 घंटे कर सको, क्योंकि आप अपने पोटेंशियल पे तो वर्क करो। अगर आप कर सकते हो 5 घंटे वर्क और आप कर रहे हो 4 घंटे, तो ये आप नाइंसा भी कर रहे हो अपने आप के साथ। ये आप अगर आप ऐसे ही ऐसे करते रहे तो आगे चल के आप मान के चलो आज आप अगर 5 घंटे मेहनत कर सकते हो और आप कर रहे हो 4 घंटे मेहनत, तो इससे आप मान के चलो एक दिन में आपने 1 घंटे मेहनत नहीं की तो और एक साल में ये 365 घंटे हो जाएंगे। और अगर वहीं पर ही आप 5 घंटे काम कर सकते हो और 6 घंटे काम कर रहे हो, तो उसके दौरान आप एक साल में 365 दिन होते हैं, तो 365 घंटे आप एक्स्ट्रा और काम कर लेंगे और जो आप कर रहे थे तो कर रहे थे। तो वर्क टू योर ऑप्टिमम पोटेंशियल, जो ये 8th लर्निंग थी। और 9th है स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिव पीपल, उनकी 9th लर्निंग है। अगर आप नेगेटिव पीपल के सराउंड टाइम स्पेंड करोगे तो आप नेगेटिव होते जाओगे धीरे धीरे, आपको पता भी नहीं चलेगा। आप सोचोगे कि आप पॉजिटिव हो, पर धीरे 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 आपको नेगेटिव कर देंगे। तो यू आर द एवरेज ऑफ द 5 पीपल विद हुम यू स्पेंड योर टाइम, आप उन 5 बंदों के साथ आपका उनके एवरेज रहते हो जिनके साथ आप टाइम स्पेंड कर रहे हो, आप उन 5 बंदों के। तो आपको अपना टाइम डिसाइड करना है कौन कौन बंदों के साथ स्पेंड करना है। अगर आप नेगेटिव पीपल के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो तो आप भी एक ना एक दिन नेगेटिव हो जाओगे। तो आपको डिसाइड करना है आपको पॉजिटिव पीपल के साथ टाइम स्पेंड करना है, आपको अच्छे पीपल के साथ टाइम स्पेंड करना है। अगर आप ये करोगे तो आप आगे जाओगे, अगर नेगेटिव पीपल के साथ टाइम स्पेंड करोगे तो आप नेगेटिव बन जाओगे। तो यही है कि स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिव पीपल। और 10th लर्निंग है उनकी डोंट क्वाइट, ये सब आप कर रहे हो, आप जो भी मेहनत कर रहे हो अपनी खुद के लिए कर रहे हो, आप इतना सब कुछ करके और आप रह गए, आपको पहुंचना था पहुंच गए, आपको पहुंचना था यहाँ पे और आप यहाँ पे पहुंच गए। और आप जहाँ पे आ गए आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो अगर आपके पास प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो अगर आप क्वाइट कर दोगे तो आप हमेशा के लिए छोड़ दोगे और हमेशा के लिए पछताओगे कि मैंने क्यों छोड़ दिया, क्यों मैंने मेहनत नहीं की, अगर मैं थोड़ी और मेहनत कर लेता तो मैं सक्सेसफुल हो जाता। तो आपको क्वाइट नहीं करना है। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि इफ़ यू क्वाइट देन एवरीथिंग विल बी सेम, एंड इफ़ यू डोंट क्वाइट एंड इफ़ यू कीप वर्किंग देन everyone will give you respect, you will be successful. It's your responsibility to make yourself to don't quiet. आपकी responsibility बनती है आपको quiet ना करने की, तो अपनी जिंदगी में, क्योंकि आज नहीं तो और कभी करेंगे लोग गौर, कभी चलते रहो बस, रुकना मत, आएगा तुम्हारा दौर कभी। और दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगली वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए कमेंट करें, और इस वीडियो को आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जिससे कि वो भी ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकें। आपको अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए आप उसको कमेंट करें, और
मैं ये बोलना चाहता हूँ, अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया जाइए इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, और आप सबसे मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद जय भारत।